उनका हाथ एक छुरी की तरफ बढ़ रहा था, मैंने उस ड्रॉर को तेजी से बंद कर दिया। मैंने बोला, आप कर क्या रहे हो? नहीं मैं तुम्हारा गला रेत दूंगा। शर्लिन चोपड़ा आए दिन सुर्खियों में घिरी रहती हैं। एक बार फिर मीडिया के सामने आई और बातचीत करते हुए बताया कि मुंबई में रहने वाले इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन सुनील पारस मणि लोढ़ा ने उनसे जबरदस्ती और छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उन्हें चाकू से गला काटने और उनके दो डॉग्स को भी मार देने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला जानते हैं शर्लिन की जुबानी। पारस मणि लोढ़ा से, जिनका नाम FIR में मौजूद है, सुनी बातचीत चलती रही उस रात लगभग 12:30 बजे के आसपास ही था, तो मैंने उन्हें लिफ्ट ऑफर करी। मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर मुझे पहले घर छोड़ेगा, उसके बाद उन्हें उनके घर छोड़ेगा। छुआ, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये सब नहीं पसंद। वो चले आए बेडरूम में, अगेन छेड़खानी करी मेरे साथ, यहाँ वहाँ हाथ लगाकर। मैंने कहा अभी तो बात हुई हमारी। उन्होंने मुझे जबरन छूने की कोशिश करी और भी बहुत कुछ किया जो इस समय मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताना उचित नहीं समझती हूँ। मेरे स्टेटमेंट में एक एक चीज़, अगर मैं उनका कहना ना मानूँ तो वो मेरा गला रेत देंगे और ना सिर्फ मुझे ख़त्म करेंगे बल्कि मेरे बच्चों को भी ख़त्म कर देंगे। मेरे दो छोटे छोटे पेट्स हैं, इतने यहाँ, मतलब बेडरूम से यहाँ, यहाँ से बेडरूम, यहाँ पर तमाशा और फिर सीधे किचन में जा रहा था। ऐसे आप किचन में क्यों जा रहे? उनके पीछे पीछे गई, ड्रॉर्स खोल रहे थे और जैसे ही मैंने देखा कि उनका हाथ एक छुरी की तरफ बढ़ रहा था, मैंने उस ड्रॉर को तेजी से बंद कर दिया। मैंने बोला, आप कर क्या रहे हो? नहीं मैं तुम्हारा गला रेत दूंगा। मैं घबरा गई और मैं धन्यवाद देती हूँ मुंबई पुलिस को, जो मेरे कॉल करने के 5 से 7 मिनट में पुलिस यहाँ पर पहुँच गई और ये FIR दर्ज करी। सुनील पार लगभग 3:45 AM, 3:46 या 3:47 AM मेरे कॉल करने के, मैंने उनको कॉल करी थी 3:40 सुबह के 3:40 को और 5 से 7 मिनट में पुलिस यहाँ पर हाज़िर हो गई थी। उस शख्स ने मेरा वो अवार्ड, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, उस अवार्ड को अपने हाथ में लिया और मेरे सर पर मारना चाह रहा था। जैसे तैसे मैंने उसको रोका, बोला ये मेरा अवार्ड है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। फिर यहाँ से वो किचन में गया। कोई मुझे हाथ लगाना चाह रहा हो, मेरे साथ यौन शोषण करना चाह रहा हो, मैं उसे चुपचाप करने दूँ? उसका विरोध ना करूँ? और अगर विरोध करती हूँ तो वो ये धमकी देता है कि मेरा गला रेत देगा, मेरे बच्चों की जिंदगी खत्म कर देगा। ये कैसा गुंडा राज है, मेरी समझ के बाहर है। आप सबके सामने, अगर उस दिन उस पर सामने आकर अपने सच को उजागर करती हूँ, इस समाज की पीड़ित महिलाओं को हिम्मत मिले, हौसला मिले, आगे चलकर मैं चाहूंगी कि उन पीड़ित महिलाओं के लिए मैं कुछ कर सकूं। तन दिया कि बहुत जल्द ये मैटर कोर्ट में जाएगा और मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा उस दर्दनाक हादसे के बारे में विस्तार में जानकारी देने के लिए। मैंने कहा कि मैं उन्हें अपना पूरा सहयोग दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ सुनील पारस मणि लोढ़ा जैसे लोग
पुलिस को या कानून को अपने बाप की जागीर ना समझें। जो जिस अकड़ से वो बात कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू ये है तू वो है, कोई शरीफ इंसान इस तरह बात नहीं करता है। और नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।